हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैग्नोटेक यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम एक छोटा सा टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ट्रांसमिसिबिलिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो ट्रांसमिसिबिलिटी, इससे आगे वाला जो लेक्चर था वो हमने ट्रांसमिसिबिलिटी के बारे में देखा था। उसका मतलब है कि जो मशीन से स्ट्रक्चर या तो जो फाउंडेशन तक जो वाइब्रेशन ट्रांसफर होते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसमिसिबिलिटी, एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो दैट मीन्स ओमेगा अपॉन ओमेगा एन। तो ये दोनों के बीच में जो यहाँ पे प्लॉट जो हो रहा है, मतलब कि एक ग्राफ है, वो हम यहाँ पे देखते हैं। और तीसरा फैक्टर यहाँ पे है, ये है कि डैम्पिंग रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो है ट्रांसमिसिबिलिटी, वेरियस डैम्पिंग रेशियो, एंड यहाँ पे ओमेगा अपॉन ओमेगा एन यानी कि फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो ये तीन का जो रिलेशन है वो यहाँ पे बताया है। ठीक है, और हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो पहले आपको क्या करना है, ये ड्रॉ कर लेना है, ये प्लॉट अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहला है यहाँ पे ऑल कर्व्स स्टार्ट फ्रॉम द यूनिट वैल्यू ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी, यानी कि यहाँ पे ये जो यूनिट वैल्यू यानी कि यहाँ पे वन है, तो यहाँ पे ऑल द कर्व स्टार्ट फ्रॉम हियर, ओके, एंड पास थ्रू द यूनिट वैल्यू ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एट फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट टू। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर रूट टू है, तो यहाँ से ओके, और सभी जो है कर्व वो यहाँ से पास होते हैं और यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये है फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट क्या है, ट्रांसमिसिबिलिटी टेंस टू जीरो एट फ्रीक्वेंसी रेशियो ओमेगा अपॉन ओमेगा एन टेंस टू इन्फिनिटी। मतलब कि अगर ओमेगा अपॉन ओमेगा एन की वैल्यू यहाँ पे इन्फाइनाइट हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसमिसिबिलिटी जो होती है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी एट द एंड। ठीक है, तो यह है सेकेंड। थर्ड क्या है, वेन ओमेगा अपॉन ओमेगा एन लेस देन अंडर रूट टू, ठीक है, लेस देन अंडर रूट टू, ट्रांसमिसिबिलिटी ग्रेटर देन वन। अब इससे उल्टा कि ओमेगा अपॉन ओमेगा एन ग्रेटर देन अंडर रूट टू तो ट्रांसमिसिबिलिटी लेस देन वन। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो अंडर रूट टू ओमेगा अपॉन ओमेगा एन लेस देन अंडर रूट टू से कम है, तो यहां पे आप देख सकते हो ट्रांसमिसिबिलिटी इज मोर। ओके, एंड यहां पे अगर ग्रेटर देन है, ठीक है, ओमेगा अपॉन ओमेगा एन ग्रेटर देन अंडर रूट टू, तो यहां पे ट्रांसमिसिबिलिटी इज लेस देन यूनिटी। ओके, तो ये दोनों हमने साथ में कवर कर दिया, यानी कि थर्ड वाला एंड ये लास्ट वाला, ये दोनों हमने साथ में कंप्लीट कर दिया। लेकिन यहाँ पे कहना ये चाहता है कि थर्ड वाला जो है, ओके, तो वो उसमें क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन इम्प्रेस्ड एक्साइटिंग फोर्स, मतलब एक्साइटिंग फोर्स उसमें ज्यादा रहेगा, एंड ग्रेटर अमाउंट ऑफ डैम्पिंग गिव्स अ लोअर ट्रांसमिसिबिलिटी। तो उसमें हमें क्या चाहिए, ग्रेटर अमाउंट ऑफ डैम्पिंग चाहिए। जबकि यहाँ पे देखो आप सिक्स में कि ये जो अगर कंडीशन होती है देन बेटर वाइब्रेशन आइसोलेशन इज पॉसिबल, यानी कि ये कंडीशन में आइसोलेशन जो है वो अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ वन जो है, व्हेन ओमेगा अपॉन ओमेगा वन एन इज इक्वल टू वन देन ट्रांसमिसिबिलिटी इज इक्वल टू मैक्सिमम, यानी कि ओमेगा अपॉन ओमेगा एन इज इक्वल टू वन, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वन है, देन ट्रांसमिसिबिलिटी इज मैक्सिमम। ओके, नाउ फिफ्थ वन, लास्ट वन, दैट इज when omega upon omega n is equal to under root 2, TR is equal to 1, transmissibility is equal to 1, and transmitted force is equal to impressed exciting force irrespective of damping, यानी कि यहाँ पे damping जो होता है ना वो independent हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे damping factor जो होता है zeta, उसका कोई वो dependency उसकी नहीं रहती, वो independent हो जाता है, कब, when omega upon omega n is equal to under root 2 होता है। ठीक है, तो ये था ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग दिस प्लॉट ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी एंड फ्रीक्वेंसी रेशियो एंड जीटा। ठीक है, तो होप आपको ये समझ में आया होगा, बहुत बार एग्जाम में भी आता है ट्रांसमिसिबिलिटी वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो, 4 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है, 7 मार्क्स जितना इतना कंटेंट नहीं है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।